यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोमवीर सांगवान पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। घायल कांग्रेसी नेता हमले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दादरी सिविल अस्पताल में उनकी चोटें कम दिखाने पर चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। बता दें, बीते मंगलवार को गांव मांडी हरिया और पीचोपा खुर्द के बीच बाइक सवार सोमवीर सांगवान पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया था। घायल सोमवीर और उनके पिता ने भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह सहित नामदर्ज अन्य पर गुरुग्राम के जमीन संबंधित मामले को लेकर हमला करवाने के आरोप लगाए थे। सोमवीर का आरोप है कि पुलिस द्वारा केवल उस पर हमला करने वाले 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप है कि दादरी सिविल अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा भी किसी दबाव में कार्य किया गया। उन पर जब हमला हुआ तो पहले दादरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रिपोर्ट में केवल 2 चोटें दिखाई गई, जबकि बाद में उन्हें रोहतक PGI रेफर किया गया, जहाँ 5 चोटों को दर्शाया गया। बयान मैंने दर्ज करवा दिया और मैंने नाम चिन्हित करके उन लोगों के नाम लिखवाए हैं और उन पर धमकी देना, डराने का प्रयास करना और हत्या का प्रयास, इनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस से मैंने अपील की है। अब प्रशासन ने वो FIR ऑनलाइन नहीं की है, ये मेरी भी चर्चा हुई थी हमारे भारतीय युवा कांग्रेस में जो हमारे लीगल सेल के जो अंबुज दीक्षित जी हैं उनसे, लेकिन उन्होंने भी मुझे ये बताया कि वो ऑनलाइन FIR नहीं की गई है। तो अब इस बात, ये मतलब जांच का विषय है कि प्रशासन किसके दबाव में ये सब कर रहा है। आपने किन लोगों पर आरोप लगाए हैं? मैंने नरेंद्र सांगवान, DP गोयल, नवीन गोयल और राजकुमार सांगवान, इन चारों पर तो मैंने सीधा सीधा हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी धमकी दी थी और नरेंद्र सांगवान ने शारीरिक रूप से आकर, जो सांसद धर्मवीर सिंह भी अपनी एक मीडिया बाइट में जनता TV के सामने स्वीकार चुके हैं कि मैंने समझाने के लिए इसके घर पे आदमी को भेजा था, शायद ये उनका समझाना है कि मुझे इस तरह अधमरा करके आज चाकुओं से गोदा हुआ शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर कल को वो धमकी देने पर आएंगे तो आप बेहतर समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अब यही प्रशासन से, तो प्रशासन और न्याय व्यवस्था से तो यही आग्रह है कि ये न्याय के प्रहरी हैं, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, मुझे उम्मीद है मेरी भी रक्षा करेंगे। और राजनीतिक जीवन को हटाकर एक सामाजिक जीवन भी होता है, समाज में जो खाप पंचायतें हैं और जो भी किसान यूनियनों के जो अलग अलग प्रधान हैं उनसे भी मेरी इस चीज़ को लेकर अपील है कि मुझे तो राजनीतिक कहकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा नहीं है? कि दादरी का जो हॉस्पिटल है जहाँ मुझे सर्वप्रथम एडमिट कराया गया था, उसकी MLR में मुझे 2 चोटें दिखाई गई हैं, जबकि सारी स्टिचिंग उन्होंने की है और फिर मुझे PGI रेफर कर दिया गया। 4 जख्मों पर मेरे वहाँ पे स्टिचिंग चरखी दादरी में हुई है, लेकिन उन्होंने चोटें 2 दिखाई हैं मुझे। PGI वाले मुझे अपने उसमें MLR में 5 चोटें दिखा रहे हैं। तो दादरी किस क्षेत्र में आता है, यहाँ का सांसद कौन है, यहाँ का प्रशासन और CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो किसके दबाव में चोटें कम करके मेरी MLR का वजन कम करने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे लग रहा है जग जाहिर है, इसे लोग सब समझते हैं। वहीं बाडरा DSP देशराज ने बताया कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। घायल सोमवीर ने जो बयान दर्ज करवाए थे उसके आधार पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। बाडरा थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम गठित कर हमला करने वाले लोगों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।